Hello friends, my today's topic is pH in everyday life. मैंने अपने last videos में आपको explain किया था कि pH होता क्या है, कैसे pH paper से पता करते हैं, उसे universal indicator बोलते हैं, ये सब मैंने बताया था. अब जो ये pH है, pH का मतलब आपको पता चल गया है, acidic या basic character, या फिर acid high हो जाना, basic character high हो जाना, उसके साथ में neutral है, ये सब होता है pH. So इस pH का हमारा everyday life में क्या use है, वो हम पढ़ेंगे. ये topic है आपका class 10th का, इसका जो chapter है, वो है chapter number 2nd. अगर आपको मेरे videos समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए. हम आपका अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, जहां तक पीएच की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे पीएच होता है वो मैं एक आउटलाइन आइडिया दूंगी. पीएच हमारे स्टमक से भी रिलेटेड है, टूथ डिकाई से भी रिलेटेड है, सॉइल से भी रिलेटेड है, उसके साथ में एनिमल से भी रिलेटेड है, इंसेक्ट से भी रिलेटेड है. सो एक के बाद एक हम देखते जाएंगे कैसे इसका यूज है. फर्स्ट हम देखेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे पीएच होता है, हमें पता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसे हम HCl भी बोलते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत स्वीट डिशेस खा लेते हैं, बहुत ऑयली तला गला खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो HCl है उसका pH हाई हो जाता है. यहाँ पे डाइल्यूट मतलब 6 के नियरर या 5 के नियरर उसका pH होना चाहिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला HCl है. बट वो क्या होता है, हाई हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई. एसिडिटी का मतलब है एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. अब क्या करते हैं, जैसे ही वो एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, तब हम एक तरह की एंड एसिड टेबलेट्स का यूज करते हैं, जो कंटेन करती है, ये अगर एसिड है तो ऐसी टेबलेट लेते हैं जिसके पास बेस होगा. ये बेस होता है वो एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करता है और हमारी एसिडिटी होती है, इसको क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज. ये एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करता है और इजीली हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है या फिर एसिडिटी कम हो जाती है. सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिकाई. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ टूथ डिकाई. टूथ डिकाई, अब टूथ डिकाई जो होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर फ्रॉम एसिड. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो शुगर हम खाते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं इसके लिए. बट क्या होता है, जब हम स्वीट वगैरह या ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, मोस्टली स्वीट से या चॉकलेट से होता है, ये क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को हाईली ब्रेक डाउन करने लगते हैं. एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और ये एसिड होता है वो हमारे टीथ्स पे अटैक करता है. इसकी वजह से क्या होता है,
कि टीथ्स में जैसे हमारे दांत वगैरह जो बोलते हैं, जो बैक साइड के टीथ्स होते हैं, उन्हें उनमें क्या होते हैं, छेद होने लगते हैं, जैसे ब्लैक कलर के ऐसे छेद आपने देखे होंगे, तो उसे हम बोलते हैं टूथ डिकाई, या फिर हमारे दांत खराब होने लगते हैं तो उसकी वजह से हमें दर्द करने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो पीएच इंक्रीज हो गया, पीएच था वो न्यूट्रलाइज के करीब रहना चाहिए था, और पीएच के इंक्रीज होने से हमारा क्या हो गया, टूथ डिकाई हो गया। इस कंडीशन में एक स्पेशल टाइप का या तो डॉक्टर क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है टीथ्स में, तो बोलते हैं इनेमल का यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं हमें हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं शाइनिंग चली जाती है, वो शाइनिंग नहीं हमारे टीथ्स को खराब कर रहा था बैक्टीरिया, तो वो एक तरह का बेस का इनेमल की एक लेयर होती है उसे चढ़ाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है वो एसिड की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देता है, या फिर डॉक्टर हमें प्रेफर करता है कुछ बेस कंटेनिंग टूथपेस्ट को, उससे क्या होता है कि हम रिलीफ लेते हैं। सो ये भी इस कंडीशन में भी क्या होता है कि बेस जो होते हैं वो एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड नंबर होता है प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। मैं डायरेक्टली लिख रही हूं पीएच चेंज इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होता है, अगर हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल होता है उसका पीएच न्यूट्रलाइज होता है 7 के करीब होता है, बट जैसे ही पीएच की क्वांटिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, मतलब जो सॉइल का पीएच है, सॉइल की टेस्टिंग कराई जाती है, जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं जिनमें सही से ग्रोथ नहीं मिल रही है प्लांट्स की, वहां का सॉइल टेस्ट होता है, तो पता चलता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। जैसे ही एसिडिक या बेसिक क्वांटिटी हाई हो जाती है, जो सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रो करने वाले हैं या फिर उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, उन सबकी डेथ हो जाती है या वो डेड हो जाते हैं, तो इसके लिए उस सॉइल के साथ क्या किया जाता है, हमने बोला एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक होती है तो उसमें बेस कंटेनिंग फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं, या फिर सॉइल का हमें मिला टेस्ट में कि सॉइल है वो बेस कंटेनिंग ज्यादा हो रही है तो उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर डाला जाता है। इस तरह से हम एसिड को बेस में या बेस को एसिड में मिक्सअप करके हम उसे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इजीली क्या होता है हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। थर्ड वन, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने प्लांट ग्रोथ की बात करी, कभी कभी क्या होता है एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, रेन होती है, अभी पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है, फैक्ट्रीज हाईली चल रही हैं, तो एसिड होता है वो मोस्टली वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे रेन के फॉर्म में हमारे पास आता है, वो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अब ये जब एसिड रेन होती है पॉल्यूशन की वजह से, तो वो एसिड रेन का वाटर जो है वो पॉन्ड्स या रिवर्स में भी जाता है, पॉन्ड्स और रिवर्स में फिशेज वगैरह जो रहती हैं, उन फिशेज को वो वाटर, उन्हें केवल जो फ्रेश वाटर की फिशेज होती है उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए, वाटर मतलब जो हम ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब वाटर है उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। अब अगर वो वाटर एसिडिक हो गया, उन्हें प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में और वो डेड हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उस एसिडिक रेन जब होती है या वाटर की टेस्टिंग करके पता चलता है उसमें बेस कंटेनिंग जो केमिकल्स होते हैं वो डाले जाते हैं, और एसिड रेन से जो वाटर एसिडिक हुआ है उसे बेस के साथ रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइज किया जाता है। फोर्थ इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, हनी बी जो होती है सेल्फ डिफेंस फ्रॉम एनिमल्स। सो हनी बी होती है उसकी स्टिंग, जैसे ही हनी बी हमें काटती है, मधुमक्खी बोलते हैं उसे, उसके स्टिंग में होता है एसिड, वो
वो एसिड को कंटेन करती है और हमारे स्किन पे इरिटेशन या बर्निंग होने लगती है। उस कंडीशन में हम किसी बेस को रब करते हैं या बेकिंग सोडे को रब करते हैं जो कंटेन करता है बेस, तो वो एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिलती है। इसी तरह से एंट स्टिंग मतलब चींटी काटती है, उस कंडीशन में भी अगर हम किसी बेस का यूज करेंगे, क्योंकि चींटी के जो स्टिंग में होता है वो इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड, तो उस एसिड के रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस की रबिंग करते हैं और रिलीफ लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो पीएच है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू न्यूट्रलाइज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द केस ऑफ टूथ डिकाय, इन द केस ऑफ पीएच चेंज इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल्सो फॉर द गेटिंग सेल्फ डिफेंस फ्रॉम द एनिमल्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच। पीएच से ही हम इजीली पता कर सकते हैं कि क्या क्वांटिटी हाई हो गई है हमारी बॉडी में, सॉइल में या वाटर में, और इजीली हम उसकी क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो पीएच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो अवर डेली लाइफ। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।